रुक करते हैं प्रदेश की ओर। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन लाइनों में लगकर किए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रों में ज्वाला मां को हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है और बाद में कन्या पूजन भी किया जाता है। विश्व विख्यात श्री ज्वालामुखी मंदिर में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर दर्शन किए और मां के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। नवरात्रों के दौरान ज्वाला मां हलवा और पूरी का भोग भी लगाया जा रहा है और बाद में कन्या पूजन भी किया जा रहा है। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं के द्वारा लाखों रुपए का चढ़ावा मां के चरणों में अर्पित किया गया है। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में आज तक श्रद्धालुओं ने मां ज्वालामुखी के ज्योति के दर्शन किए और श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा के रूप में कुल 47,74,995 रूपए, 19 ग्राम सोना और लगभग 5 किलो चांदी मां के चरणों में अर्पित की गई है। नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से 3 टाइम का लंगर और फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और सभी भक्त मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी तक सातवें नवरात्रे तक लाखों श्रद्धालु यहां पे दर्शनों के लिए आ चुके हैं और हमारी मंदिर प्रशासन की तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके लिए हमने जैसे कि लंगर व्यवस्था करी हुई है, डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पे अवेलेबल है और हमने हमारी कोशिश है कि सफाई व्यवस्था जो है वो उसको अच्छे से हम मेंटेन कर पाएँ और मुझे लगता है कि हम उसको काफ़ी हद तक मेंटेन कर भी पाए हैं। जहाँ तक चढ़ावे की बात है, अभी तक सातवें नवरात्रे तक लगभग 50 लाख रुपया हमारे पास इन कैश आ चुका है। इसके अलावा 19 ग्राम हमारे पास सोना और 4 किलो 195 ग्राम चांदी यहाँ पे चढ़ाई जा चुकी है और मैं सबको दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। मैं ये कामना करूँगा देवी माई से कि सबके ऊपर देवी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।